भाई मुझे अपना मैच लगाना पड़ेगा भाई। आज हमारा पहला अंडर 14 पिंक बॉल टूर्नामेंट आज परमात में शुरू हो रहा है। मेरे साथ हैं श्रीमान गुरप्रीत सिंह हैरी जी। हैरी जी, टूर्नामेंट के बारे में और अपने मास्क के बारे में थोड़ा सा, जब बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आपने ये चीज़ अच्छी बनाई है, तो आप थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएंगे क्या क्या इसके अंदर क्या सिस्टम है। देखो, मैं जी एस हैरी क्रिकेट अकेडमी में पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ शमी जी का, जो कि मेरे अभिन्न मित्र हैं, पुराने हैं और परिचित लोग हैं और क्रिकेट के क्षेत्र में जुड़े हुए इंसान हैं। इन्होंने ना जाने कितने टूर्नामेंट कराए हैं, इसमें बड़े बड़े हमारे जितने क्रिकेटर्स हैं, आप जो आज हिंदुस्तान का कप्तान विराट कोहली है और अन्य भी क्रिकेटर्स हैं, बड़े बड़े नाम मैं लेना चाहूँ तो बहुत नामों की संख्या कम हो जाती है। उस ऐसे टूर्नामेंट्स में खेल खेल के उत्तम नगर में बड़े टूर्नामेंट प्राइज मनी टूर्नामेंट में शौकीन के नाम से टूर्नामेंट खिलाए, महेंद्र सिंह शौकीन, तो ऐसे उसके ऑर्गेनाइज़र शमी जी रहे, तो उसमें विराट कोहली आज जो हिंदुस्तान खेल रहा था उसमें काफ़ी योगदान है उन टूर्नामेंटों का भी। तो आज राधिका कप के नाम से जो अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का आरंभ हो रहा है, उसमें परमात नेशन प्ले ग्राउंड जी एस हैरी क्रिकेट अकेडमी के ग्राउंड के ऊपर, जो कि हमारे मित्र विजय जी ने ये ग्राउंड बनाया था, तो उसके बाद इस ग्राउंड पर न जाने कितने टूर्नामेंट हो गए हैं। और आज आफ्टर द कोविड, यानी जो कोविड की हमारी जो कोरोना की जो बीमारी चल रही है, जो पिछले मार्च से स्टार्ट हुआ था लॉकडाउन के बाद, आज पहला टूर्नामेंट है यहाँ पर और उसका पहला मैच खेला जा रहा है, जिसमें देवेंद्र खरब की टीम है और शशांक जो अपनी टीम लेकर गुड़गांव से आए हैं, तो दोनों का पहला मैच है। तो इसके अंदर बच्चों ने भी काफ़ी योगदान दिया कि उन्होंने आके निडरता से आत्मनिर्भरता से आके यहाँ पर खेलने का उत्साह बढ़ाया और टूर्नामेंट को चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब रही बात हमारे मास्क की, मास्क का मैं ये था कि जी एस शहरी क्रिकेट अकेडमी के दिमाग में यह है कि अपना जो कि एक ऐसा मास्क तैयार किया जाए जो कि हमारे बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए और कोचेज के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन जो भी हो हमारा, उनके लिए, सबके लिए एक ऐसा मास्क तैयार किया जाए जो कि ब्रीदेबल भी हो और खेलते वक्त परेशानी का सामना ना करना पड़े और रीयूजेबल हो, वाशेबल हो, यूज़ एंड थ्रो नहीं है, ये गले में टंगा रहता है, जो सबसे प्लस पॉइंट है इसके अंदर, जो कि हमने जो चीज जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। इवन लेन हमारे मिताली राज जो इंडियन स्कीपर है इस वक्त हमारी सबसे महिला के क्षेत्र में, महिला क्रिकेट अकेडमी, महिला क्रिकेट के अंदर सबसे ऊपर नाम जाता है मिताली राज का, और रूपाली जी जो जम्मू कश्मीर की हैं सेलेक्टर हैं, वो भी इंडिया खेल चुकी हैं, नेहा तंवर है वो खेल चुकी हैं, और इंडियन हमारी लतिका जी हैं, तो इस तरह से कई नाम और भी हैं जो जिन्होंने हमारे द्रोणाचार्य सभी ने ये मास्क का अपना डाला है उन्होंने अपने गले मुंह के ऊपर, और उन्हें जितना अच्छा लगा कि एक आराम से डालकर खेला भी जा सकता है इससे, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े, सांसें घुट रही हैं या सफोकेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है, ये ओरिजिनल मास्क है। और इस ओरिजिनल मास्क की वजह से मैं मैन ऑफ द मैच जो है अक्सर मैं कोशिश ये की जा रही है कि हम जो जितने भी हमारे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, उनमें मैन ऑफ द मैच ये मास्क प्रोवाइड करें ताकि अवेयरनेस रहे चारों तरफ, और उसके बाद अवेयरनेस की वजह से ही हमारी जो कोरोना से लड़ाई चल रही है, जंग जारी है हमारी, उसमें हम सतर्कता बरत रहे, आत्मनिर्भरता रहे, और अगर मास्क नहीं है तो भी हम परेशान होंगे, मास्क है तो उसे डालना अनिवार्य है, सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी खड़े होते हैं तो वो भी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से खड़े होते हैं, इसलिए क्रिकेट खेल पूरा हो जाता है। उसमें कुछ रूल रखे हैं, आज जो टूर्नामेंट शुरू किया शमी जी ने उसमें सैनिटाइज भी किया गया, पहले उसको सैनिटाइज करके हमने सैनिटाइज भी हमने किया, सैनिटाइज हर खिलाड़ी को सैनिटाइज करके मास्क के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद टॉस कराया, उसका मैच शुरू कराया, तो मैन ऑफ द मैच हमने मास्क रखा है और साथ में ट्रॉफी है, मोमेंटो है, और 40 ओवर के ये मैच हैं। तो शमी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आज आपका टूर्नामेंट का आरंभता हुई है और हम चाहते हैं कि ये कामयाबी बुलंदियाँ छुए, और हमारे जो आपने हमारे को प्रोत्साहित किया बुलाने का, यहाँ पर जो आपने हमें सुबह आके टॉस करने के लिए बुलाया, और उसका बहुत बहुत आभारी हैं हम आपके। और साथ में जो प्रमोशन हमारी मास्क की होगी वो एक अपने तरीके से हम चाहते हैं कि हर बच्चे को अवेयर हो, हर पेरेंट्स को अवेयरनेस आए, तो ये कह के आपको मैं अपने शब्दों को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद हरी जी, थैंक यू वेरी मच। मैच शुरू हो गया है, पहला ओवर चल रहा है आज।